सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र, कोई सा भी ब्राउज़र एक ओपन कर लेना। उसमें आपको टाइप करना है COWIN कोविन, इतना लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहली वाली लिंक दिखाई दे रही है इसको आपको ओपन कर लेना। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी सीधे इस पर आ सकते हैं। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है, जैसे सामने ही लिखा हुआ है, एज 18 प्लस रजिस्ट्रेशन ओपन, यानी 18 से ऊपर वालों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं। आज कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, टोटल इसमें जानकारी इसमें लिखी हुई है कैसा क्या है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर्ड साइन अप इन योर सेल्फ, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया विंडो, नया पेज खोलकर आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर डालना है, गेट OTP पर क्लिक करना है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 अंक का OTP सेंड किया जाएगा। OTP डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वेरीफाई हो जाएगा। इसमें हमारे सामने लिखा हुआ है वेलकम यू कैन रजिस्टर्ड 4 मेंबर विथ 1 मोबाइल नंबर, यानी आप एक मोबाइल नंबर से 4 मेंबर को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी एक आपका और 3 मेंबर आप अलग से अपने फैमिली के मेंबर को ले सकते हैं, एक साथ आपका चारों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके लिए हम रजिस्टर्ड मेंबर पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमारा ID प्रूफ मांगा जाएगा, आप किस कौन सा ID प्रूफ देना चाहते हैं। इसमें सभी है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR स्मार्ट कार्ड और वोटर कार्ड। आप जो भी ID कार्ड देना चाहते हैं वो ID कार्ड पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम आधार कार्ड नंबर देना चाहते हैं, उसके बाद में आधार कार्ड, आप जो भी आपने ID कार्ड ऊपर सिलेक्ट किया यानी आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो आपको आधार कार्ड का नंबर देना है। अगर आपने पैन कार्ड सिलेक्ट किया है तो पैन कार्ड का नंबर डालना है। जो भी आपने ID कार्ड सिलेक्ट किया होता है उसका आपको नंबर यहाँ डालना होता है। उसके बाद में जो भी आपने ID कार्ड सिलेक्ट किया है उस पर आपका नाम किस तरह से लिखा हुआ है, जो भी आपका नाम लिखा हुआ है वो वाला नाम सेम के सेम आपको यहाँ पर लिख देना है। वो इसलिए क्योंकि आप जब भी वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो आपका ID प्रूफ देखा जाएगा, वहाँ आपका नाम मैच किया जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का ईयर डालना है, यानी आपका जो सन है ओनली वो डालना है। जैसे अगर किसी का 1/1/2001 या किस तरह से जो भी है तो उसमें सिर्फ 2001 ही लिखना है। इस तरह से आपको लिखना है, सिर्फ सन लिख के रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आपको प्राप्त हो जाएगा, उसमें आपका रेफरेंस नंबर भी दिखाई देगा और ये इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन आपके सामने दिखाई देगा। इसमें लिखा हुआ है आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, ID कार्ड आपने कौन सा लगाया है, ID कार्ड का नंबर दिखाई देगा। उसमें लिखा हुआ है डोज, इसमें रेड में लिखा हुआ है डोज और अपॉइंटमेंट नोट शेड्यूल। हमने यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं किया है, इसको शेड्यूल करने के लिए हम शेड्यूल पे जाएंगे। अगर इससे पहले अगर आप किसी और मेंबर को जोड़ना चाहते हैं, यानी एक मोबाइल नंबर पर आप 4 मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड मेंबर, सेम वही प्रोसेस रहेगी। वो ID प्रूफ लेना, ID प्रूफ का नंबर, नाम, जेंडर और ईयर डाल के ऐड पर क्लिक करना। जैसे ऐड करेंगे तो वो भी आपके साथ ऐड हो जाएंगे, उनका भी आपके साथ वैक्सीन लग जाएगा। उसके बाद में आपको शेड्यूल करने के लिए सबसे पहले शेड्यूल पर क्लिक करना है। नीचे शेड्यूल नो पर क्लिक करेंगे। शेड्यूल नो पर क्लिक करने के बाद आपका एरिया के जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। जो पिन कोड है आपको पिन कोड डाल के सर्च करेंगे तो फिलहाल अभी 18 वालों के लिए ये इस पिन, जो भी पिन कोड हम दे रहे हैं उस पिन कोड पर डोज उपलब्ध नहीं है। वैसे भी 1 मई से वैक्सीन लगने वाली है, इसलिए अभी उन्होंने ये वाला ऑप्शन अभी चालू नहीं किया है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पर करेंगे सर्च और आपके सामने जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है वो सब खोल कर आ जाएंगे। हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज भी बता देते हैं, जैसे जिस स्टेट में है वाला स्टेट हम आपको सिलेक्ट करके बता देते हैं। जैसे हमने अभी एक स्टेट सिलेक्ट कर लिया, इस तरह से आपका पेज खुल कर आ जाएगा। इसमें आपके सभी अस्पताल के नाम भी आ जाएंगे, कुछ अस्पताल में आपको, किस हॉस्पिटल में आपको कराना है, कहाँ पर कितनी सीट है, कितनी तारीख में, ये तारीख वाइज आ जाएगी। अब जिस तारीख को कराना चाहते हैं उस तारीख पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जैसे कि ये वाला जो अस्पताल है इसमें पेड में है, यानी यहाँ पर आपको COVID-19 का वैक्सीन लगवाने के लिए आपको इसकी फ़ीस चुकानी होगी। जहाँ पर पेड लिखा हुआ है उसमें आपको पेड देनी होगी और जहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है वो फ्री है। और यहाँ पर जो जितना लिखा हुआ उतनी सीट यहाँ पर बाकी है, जैसे ये वाले अस्पताल में सिर्फ एक ही सीट बाकी है। इतना कर लेने के बाद आपको जो भी अस्पताल जहाँ भी आपको लेना है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि अभी यहाँ पर बता रहा है कि 45 साल से अधिक वालों के लिए ये सेंटर ओपन है, 18 वालों के लिए ओपन नहीं किया गया है। उसके लिए हम एक अलग से एक और वीडियो आपको बनाकर बता
देंगे। इसके बाद में क्लिक करने के बाद में आपको आपका टाइमिंग मांगा जाएगा, यानी आप कितनी बजे जाना चाहते हैं, सुबह यानी मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब भी आप जाना चाहते हैं वो वाला आपको टाइमिंग मांगा जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपसे टाइमिंग पूछा जाएगा आप कितने बजे से कितने बजे के बीच में जाना चाहते हैं। आप वो क्लिक करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका अपॉइंटमेंट कम्प्लीट हो जाएगा। फिर उस तारीख को आपको उतनी बजे आपकी एक रसीद निकलेगी, रसीद को आपको डाउनलोड कर लेना, रसीद डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के और उस रसीद को ले जाकर आपका वैक्सीन लगवा लेना है, कोरोना से सुरक्षित हो जाना है। इस तरह आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से ही सिर्फ 2 मिनट में अपना रजिस्ट्रेशन करके खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को कीजिए एक लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।